बट्टा लगाने से जरा नहीं घबराए। उन्हें कानून का डर नहीं, उन्हें खाकी की परवाह नहीं, उन पर रहती है हवस सवा। वो कभी घर के अंदर करते हैं शिकार, तो कभी राह चलती किसी मजलूम की लूटते हैं आबरू। वो इंसानी शक्ल में है हवस के भेड़िए। सूबे की राजधानी लखनऊ का थाना आशियाना पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी इस लड़की ने इज्जत की खातिर अपना चेहरा ढक लिया। शर्म के मारे सभ्य समाज के दिए उस घाव को इस दुपट्टे से छिपा लिया जिसने इसकी जिंदगी जहन्नुम बना कर रख दी। इसकी अस्मिता पर पड़ा दाग अब तो बस हर पल कचोट रहा है। शर्म आती है कभी कभी खुद को इस सभ्य समाज का हिस्सा कहते हुए, जहां बहु बेटियां वहशी दरिंदों का निवाला बनने के बाद पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाए। और ऐसा ही कुछ इस नाबालिग लड़की के साथ भी हुआ, सुनिए जरा। इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि गाड़ी में लगभग 2 बजे दोपहर में इन लोगों ने उसको आशियाना में ही उठा लिया था, उसके बाद 6 बजे शाम को उन्होंने छोड़ा है। अभी जिन जगहों को ये बता रही है वहाँ हमारी टीम जाके एक बार चेक करेगी। मिश्रा या तिवारी करके बोल रहे थे, तो इसी आधार पर अभी वो स्पष्ट नाम नहीं बता पाई है। इस मामले की जांच की जा रही है, अभी घटनास्थल पर हमने एक टीम रवाना कर दी है। सुना सीओ साहिबा नाबालिग लड़की की दर्दनाक दास्तान, खुद अपनी जुबानी बयां कर रही थी। दिन दहाड़े दोपहर के 2 बजे घर से बाहर निकली लड़की राह चलते अगवा कर ली गई। 2 दरिंदों ने एक गाड़ी के जरिए लड़की को उठा लिया और फिर ले गए एक सुनसान जगह, जहां लड़की चिल्लाई तो बहुत मगर उसकी आवाज वहीं तक सिमट कर रह गई। 4 घंटे तक, जी हां 4 घंटे लड़की हैवानियत बर्दाश्त करती रही, गैंग रेप होता रहा, सिवाय गिड़गिड़ाने के कुछ नहीं कर पाई। और फिर शाम के 6 बजे वो दोनों शैतान लड़की को उसी जगह छोड़कर फरार हो गए जहां से लड़की अगवा की गई थी। काम पे गए थे, काम करने गए, फिर क्या हुआ? फिर वे उठा के ले गए मैं गाड़ी में। कौन लोग उठा के? 2 लोग थे। उनको जानती हो? जानते नहीं है। फिर गाड़ी में उठा के ले गए जंगल में, फिर इसके बाद बलात्कार किया मेरे साथ। हमने लगा कपड़ा मैंने उतारा, जबरदस्ती मेरे उतारने लगे। अच्छा, आपके हाथ में गलत काम किया जी। उसके बाद फिर आपको कहाँ पर छोड़ा? मुझे वहीं छोड़ दी जहाँ पकड़े थे। नाबालिग नहीं जानती उसके गुनहगार कौन थे, ना ही साथ आई पीड़ित की माँ। बस उन्हें दरकार है इंसाफ की और उन वहशियों की गिरफ्तारी की। दूसरे घर में पता गया तो वो भी बताने का काम करने नहीं आए। फिर तीसरे खिया गए तो वो भी नहीं पता, तो हम रोने पीटने लगे तो हम गई कहाँ गए। फिर उधर 8 बटे तक ढूंढना, फिर काम में ढूंढना, तो 6 बजे इसको हमने इधर ही देखा थोड़ा दूर। फिलहाल पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन सूबे की हालत बद से बदतर बन चुकी है। ना कोई महिला महफूज है और ना ही कोई बच्ची, बस हर वक्त एक अनजान आहट डरा कर रखती है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है यूपी की राजधानी लखनऊ जब ऐसी वारदातों की गवाह बन रही है, तो फिर किसी और शहर की क्या बात की जाए। अमितेश श्रीवास्तव, लखनऊ समाचार प्लस। उन दबंगों को शान में गुस्ताखी उस वक्त नागवार गुजरी, जब 2 प्यार के परिंदों ने अपने मन मुताबिक
जिंदगी बसर करनी चाहिए। प्यार के दुश्मनों ने प्रेमी और प्रेमिका पर इस कदर सितम ढाया जिसे देखकर और सुनकर किसी का भी दिल सहम जाए। आप भी देखिए मोहब्बत के उन दुश्मनों की करतूत। इश्क एक इबादत, रगों में दौड़ता लहू, हर एक सांस मोहब्बत पर कुर्बान, लेकिन उन्हें है गुरेज शान में गुस्ताखी, बर्दाश्त नहीं। बलरामपुर के जिला अस्पताल हालात का मारा एक परिवार अपनी बेबसी को कोस रहा है, साथ में लाडली भी बैठी है। आज हर शख्स की पहचान धुंधली तस्वीरों में कैद है, वजह सुन आप भी तंग रह जाएंगे, क्योंकि घर की बेटी के साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी इजाजत समझदार वर्ग कतई नहीं देता। अस्पताल के बाहर खड़ी ये लड़की और उसका आशिक दोनों खौफजदा हैं। इन दोनों पर हुए हर जुर्म को बयां किया जाएगा। अब जरा लड़की पर गौर करिए, औरत का गहना उसके सर के बाल होते हैं, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन आज इस लड़की के बाल काट दिए गए हैं, शरीर पर गहरे जख्म हैं। दूसरी तरफ इस आशिक को भी देख लीजिए, इसके भी सर के बाल काटे गए हैं, बेरहमी से पिटाई की गई है। यही नहीं, पूरे गांव में दोनों के मुंह पर कालिख पोत कर गली गली सरे बाजार इनको बेइज्जत किया गया है, और इनको जलील करने वाले पुलिस गिरफ्त में खड़े ये दो शख्स जिन्होंने प्यार की सजा इन इशकजादों को सुनाई। चिकन और हनी प्रधान बोले कि बार इनको काट के और मुंह में मोबिया लगा के दो गांव घुमा दो, लाला जोत पाला गली गली। और ये साहबुद्दीन मुख्तार बोले कि इसका बार कटवा के इसको बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया जाए, गांव में इसको मत। जलालत का जल जला तोहीन का तमाचा झेल रहे ये आजाद परिंदे बलरामपुर के थाना गौरा गांव लाला जोत का बाशिंदा है। प्यार के परिंदों ने बस गांव के दबंग प्रधान पति हनीफ की शान में गुस्ताखी की, दोनों प्यार करने की भूल कर बैठे। प्रेमिका पहले से शादीशुदा है, लेकिन क्या करती, पति इरशाद की ज्यादती से आजिज आ चुकी थी, पड़ोसी युवक की बातें मरहम का काम करती। इस दरमियान महिला को पड़ोसी युवक से इश्क हो गया, प्यार परवान चढ़ा तो साथ रहने का फैसला कर लिया, बस यही गलती दोनों के इश्क पर भारी पड़ गई। पाला जोत गांव में घटना की जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, वहां पुलिस बल तैनात है, स्थिति सामान्य है। दबंग प्रधान हनीफ की इस करतूत की इत्तला मिलते ही पुलिस ने गांव में दबिश डाली, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल एसपी साहब ने दावा किया है कि जो भी लोग इसमें शामिल थे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। सलीम सिद्दकी, बलरामपुर समाचार प्लस। हैसियत के हिसाब से एक भाई ने बहन की शादी पर खर्च किया था हर सुख सुविधा का सामान, बहन के साथ ससुराल भेजा था, बस एक ख्वाहिश थी उनकी लाडली खुश रहे, मगर यही अरमान एक ख्वाब बनकर रह गया क्योंकि उस भाई की इकलौती बहन लालच की भेंट चढ़ गई। तस्वीर ज्योति की है, महज 3 साल पहले हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के गांव लुहारी की रहने वाली ज्योति बहू बनकर थाना देहात के गांव टियाला आई। ज्योति के भाई लक्ष्मण ने
अपनी हैसियत के मुताबिक इकलौती बहन को हर सुख सुविधा का साजो सामान दिया। बस एक अरमान था, बहन खुश रहे, दुख उससे कोसों दूर रहे, मगर ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, या बदकिस्मती समझ ली जाए, कोई समझ नहीं पाया। जिस घर में उनकी लाडली बहू बनकर गई है, वहां लालच का बसेरा है। पति विजेंद्र, सास ससुर, हर कोई लालच के उस अंधे कुएं में गोता लगा रहा है, जहां सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होता। और उसी लालच का शिकार ज्योति भी बन गई। ज्योति नहीं रही, और उसकी मौत के बाद उसका भाई बहन की मौत कुदरती नहीं बल्कि हत्या करार दे रहा है। इन्होंने मांग करी हमसे कि रोटी में इतना इतना सामान हमें लिस्ट बना के दी इन्होंने, विजेंद्र के बहनों ही ने। हमने वो मांग पूरी कर ली। एक ने कपड़े मांगे, हमने कपड़े, हम दे रहे हैं मन की 50,000 की गाड़ी दे देंगे, तो विजेंद्र ने एक ही, मुझे 50,000 की गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे पल्सर चाहिए, फिर भी हमने पल्सर ही दी, खड़ी है यहाँ भी। जी हाँ, ज्योति का भाई सीधा इल्जाम बहनोई विजेंद्र और सास ससुर पर लगा रहा है। उसका साफ कहना है, लालच का शिकार उसकी बहन बन गई, और गुनहगार कोई और नहीं बल्कि ससुराल पक्ष ही है। शादी हुए 3 साल बीत गए थे, एक फूल सी बेटी भी थी, मगर इन 3 सालों में कुछ नहीं बदला। ज्योति घुट घुट जी रही थी, ससुराल पक्ष की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही थी, कभी गाड़ी मांगते तो कभी रुपया। और जब एक भाई इंतजाम नहीं कर पाया तो जलाकर मार डाला। मुझे घर ले चलिए, मन की अभी ऐसा छोटे भाई की शादी है, चाचा के लड़के की, तू जब आ जाइए ठीक है। अब 8 दिन पहले अभी मिलके भी गई है छोटे भाई से अलग। ज्योति की मौत पर मातम पसरा है, हर कोई गमगीन है। ससुराल पक्ष ने ज्योति की मौत एक हादसा बताई, मगर वारदात के बाद से सब फरार हैं। घर पर बिखरा सामान वही है जो भाई ने अपनी बहन को दहेज के तौर पर दिया था, मगर ससुराल पक्ष की इतनी भूख बढ़ गई थी कि यह लालच बढ़ता ही चला गया, और आखिरकार एक बेटी की मौत हत्या और हादसे के बीच फंसी है। मोहम्मद शाहिद, हापुड़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे बंद कमरे का एक राज। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी, निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइन स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली, जूली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. Rajnikantha ka koi mukabla nahi. Isme hai bahumulya prakritik rup kevda, pavitra sheetal chandan tel, avval darje ka gunkari katha, khas khushbu wali ilaichi, unga quality wali zaikedar supari. Rajnikantha ka koi mukabla nahi. Hum Rajnikantha khane wale. हरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाती। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। हमारे रिपोर्टरों के साथ घर बैठे कीजिए चारों धाम की यात्रा, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ओके स्टूडेंट्स, शुक्रिया।